धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। गुरु प्यारी सत संगत जी, भैन खुशजीत तिंसा दसते हैं कि सन 1976 की गल है कि असी तीन भैन मनजीत कमलजीत खुशजीत डेरा सच्चा सौदा शाह मस्ताना जी धाम के एक कमरे विच रह के सेवा कर रही सन। माता लक्ष्मी भी साढ़े कोल रहिंदी सी। एक दिन मैनू कांबा लग के बहुत तेज बुखार मलेरिया हो गया सी, जो 105 डिग्री सी। मैं दो रजाइया अपने उपर ले लिया, मैं पै गई। माता लक्ष्मी ने मैनू निग देन दे लई बठल विच अग पा के मेरे मंजे दे थले रख दित्ती। दरबार विच उस समय दरबार दियां दीवारां धोण दी सेवा चल रही सी, तां मनजीत अते कमलजीत मेरियां दोने भैणां उस समय सेवा ते गईयां होईयां सन। माता लक्ष्मी लंगर घर विच सेवा लई चली गई। ज़्यादा बुखार होण करके मैनू आप दी होश ही ना रही। अचानक ही रजाई दा एक लड़ अग दे बठल विच डिग पिया, तां रजाई नू अग लग गई। साडा कमरा धुएं नाल भर गया। मालिक सतगुर तां हर वेले हर जीव दे अंग संग है। शहनशाह परम पिता शाह सतनाम जी महाराज ने मैनू प्रतिख दर्शन दिते अते अपनी पवित्र मुखारबंद चों फरमाया, खुशजीत बेटा खुशजीत बेटा। शहनशाह परम पिता शाह सतनाम जी महाराज की बहुत ही मिठी मिठी आवाज़ सुन के मैं एकदम उठ के, शहनशाह जी मैनू क्यों बुला रहे हैं, तो देखिया कि कमरे विच तां सेक मार रहा सी, धुआं ही धुआं सी। धुएं अते हनेरे दे कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा सी। मैं अपने सतगुरु दी मेहर नाल उत्थे ही पए दो घड़ियां दा पानी अग उपर डोल दिता, तां अग बुझ गई। उस मचदी अग विचों शहनशाह सतगुरु जी ने मैनू अपनी कृपा नाल ही बचा लिया। मैं कमरे विचों बाहर निकल के इधर उधर देखिया कि शहनशाह जी किते खड़े आवाज ला रहे सन हन, पर शहनशाह जी तां किते भी दिखाई नहीं दे रहे सन। उन्होंने तो अंदरों ही इशारा करके मैनू मचदी अग विचों बचा लिया। देखो प्यारी सत्संग जी, किस तरह वो साड़ी पल पल राखी करता है, अते सानू भी उस मालिक दे गुण गाने चाहिए हैं, अते हर समय उस दे नाम का सिमरन करना चाहिदा है, तां जो साढ़े इत्थे दा अते उत्थे दा सहाई होवे, अते सब नाल सानू प्रेम करना चाहिदा है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।